तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े थे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोग ओस्मोसिस तक पढ़ लिए थे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आउटर मोस्ट पार्ट होता है एनिमल सेल का, सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है एनिमल सेल का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है उसके पास एक कंट्रोलर होता है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो किसी को सेलेक्ट करके ही अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट के लिए दो हम लोग पढ़े थे, दो तरीका, पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ओस्मोसिस। दो तरीके से कोई भी मटेरियल अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। और भी टाइप होता है, जो क्लास 11th में आप जाइएगा तो वहां पर पढ़िएगा। तो डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जो मटेरियल होता है वो मूव करता है, जिसमें दो एग्जाम्पल आपको बताया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेस्ट होता है हम लोग में, तो क्या होगा, सेल के पास वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है और बाहर कम कॉन्सेंट्रेशन में है। तो बाहर से तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के तरफ जाएगा, तो क्या होगा, सेल से बाहर निकल जाएगा CO2। फिर उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो बाहर में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और हम लोग के बॉडी में कम है, तो बाहर से ऑक्सीजन हम लोग के अंदर आता है। उसी तरह से ओस्मोसिस पढ़े थे, तो ओस्मोसिस में क्या था, ओस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, और यहाँ पे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। जो वाटर है वो मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, तो इसको हम लोग पढ़ लिए थे अच्छे से। अब हमें पढ़ना है व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल या प्लांट इन टू अ सोइल। मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे है एनिमल सेल, ये है आपका एनिमल सेल, या फिर यहीं पे है आपका प्लांट सेल। तो मान लीजिए यहाँ पे एनिमल सेल है और प्लांट सेल है। अब ये जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है, इसको हम किसी सॉल्यूशन में अगर रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे बीकर है और इस बीकर में हम लोग सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट डालेंगे, शुगर या साल्ट, तभी तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन जो होता है वो तीन तरह के होता है। जो बायो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन, वो तीन तरह का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और ये जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे ये साल्ट के बेसिस पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे हम समझेंगे कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपो, हाइपो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है लोअर, और टोनिक का मतलब होता है साल्ट। तो जिसमें कम साल्ट है उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मींस जिसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद जो दूसरा जो है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहां पे हम समझेंगे कि आइसो का मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम, और टोनिक का मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं साल्ट। तो जिसमें सेम साल्ट होगा
सेम साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको बोलेंगे आइसोटोमी। तो मान लीजिए दो बीकर है और दोनों बीकर में साल्ट सेम है, तो सेम साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, एक में ज्यादा होगा और एक में कम होगा, वो तो भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। और जो थर्ड है आपका वो है हाइपर, जो थर्ड है आपका वो है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पे हम समझेंगे हाइपर, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा या मोर बोल सकते हैं, और टोनिक का मतलब साल्ट। तो जिसमें ज्यादा साल्ट होगा, जिसमें ज्यादा साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन का ज्यादा वहां पे साल्ट होना चाहिए तो ही उसको हम हाइपरटोनिक बोल सकते हैं। तो ये हम जान गए कि सॉल्यूशन तीन तरह का है साल्ट के बेसिस पे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब मान लीजिए एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, इसको हम इस सॉल्यूशन में बार बार रखेंगे, एक बार हाइपोटोनिक में रखेंगे, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका हाइपोटोनिक, ये है आइसोटोनिक और ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये तो समझ गया कि हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर साल्ट। तो जिसमें साल्ट कम है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब यहाँ पे इसको अगर हमको अच्छा से समझना है, तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से कंटेनर है जिसको वाच ग्लास भी बोल सकते हैं, और इसमें यहाँ पे हम सेल को लिए हैं, यहाँ पे सेल है मान लीजिए, और इसमें वाटर भी है, और इसमें वाटर है पानी। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है वो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब ये होता है कि ये जो सॉल्यूशन है यही पे, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन। और जब इसमें लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है तो ये जो सेल है इस सेल के पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो इसके पास साल्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब देखिए जिसके पास साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा और जहां पे लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो देखिए लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे वाटर जो है वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और जहां पे साल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई है इसका मतलब क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो है। अब हमें वाटर से ही मतलब है, तो यहाँ का जो पानी है, यहाँ वाला जो पानी है इस जगह पे, इसको येलो कलर से ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसमें जो वाटर है, अब ये जो वाटर है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन था, तो वाटर
का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, अब यहाँ से जो वाटर है इसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, अब पानी इसके अंदर जा रहा है, अब जब इसके अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो है इस सेल का साइज बढ़ेगा और ये बड़ा शेप में हो जाएगा। जैसे हम लोग चना फुलाते हैं ना सुबह में, रात में हम लोग चना को डाल देते हैं और जब सुबह उठते हैं तो चना पूरी तरह से फूल जाता है, तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी तरह से आपके किताब में एक रेजिन दिया हुआ है, रेजिन का एक्सपेरिमेंट, तो रेजिन जो किशमिश होता है तो किशमिश सूखा होता है, जब उसको पानी में भिगोएंगे तो वो जो किशमिश होगा, जो रेजिन होगा, देखिए रेजिन इस तरह से रहेगा और जब इसमें पानी जाएगा तो ये इस तरह से पूरा फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर का मूवमेंट होता है सॉल्यूशन से सेल के अंदर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाटर पासेस इनटू द सेल। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, वाटर पासेस इनटू द सेल, सेल के अंदर पानी का मूवमेंट होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो सॉल्यूशन में क्या है, लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी ज्यादा है, वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो सॉल्यूशन से कहां जाएगा, सेल के पास, और सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें आइसो का मतलब क्या है, सेम है, और टोनिक का मतलब साल्ट है, तो सेम साल्ट, तो सेम साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर रहेगा तो वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। जब सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो जितना सेल के अंदर जाएगा उतना ही सेल से बाहर भी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, न स्वेल करेगा और ना ही श्रिंक करेगा, तो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इसका अगर एग्जांपल हमको लिखना है तो देखिए, इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, आइसोटोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए जो इंजेक्शन लगता है, आप कोरोना का इंजेक्शन लगवाए होंगे और मलेरिया फीवर ये सब होता है तो इंजेक्शन लगता है, तो आप इंजेक्शन लगाए होंगे, तो जब इंजेक्शन लगता है तो उसमें क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही रहता है सेलाइन के अंदर, जो सिरिंज होता है उसके अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड जब जाएगा तो यहाँ पे सेल को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, न सेल स्वेल करेगा न ही सेल जो है वो स्क्रीन करेगा, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद आप देखे होंगे कि वहां पे फूल जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे सेल जो होता है पंचर होता है, तो उसके कारण हम लोग का जो इम्यून का इंफ्लेमेटरी वाला जो पोर्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे फूलने जैसा आपको दिखेगा और थोड़ा सा पेन भी होता है। तो यहाँ पे जो सेलाइन होता है या फिर जो इंजेक्शन लगता है वो सब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए प्रिजर्व किया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केमिकल यूज होता है फॉर्मली और इसमें ये प्रिजर्व करके रखा जाता है,
इसमें सेल खराब नहीं होता है। इसके बाद हमको पढ़ना है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो यहां पे चलिए पढ़ते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपर का मतलब हम लोग अभी जाने थे, हाइपर मतलब क्या होता है मोर या ज्यादा, तो मोर, और टोनिक का मतलब साल्ट। तो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, सेल से बाहर निकलेगा। और मान लीजिए यहाँ पे कंटेनर है और इसके अंदर हम सेल को रखे हैं, इसके अंदर सेल को रख दिए हैं। अब यहाँ पे जैसे ही सेल को रखे हैं और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे क्या है, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या हो गया, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। और ये जो सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो होगा। यहां पे साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो साल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर लो है तो दैट मीन्स क्या होगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो यहां से जो वाटर है वो बाहर की तरफ जाने लगेगा, यहां से बाहर की तरफ निकलने लगेगा पानी। तो जैसे ही वाटर बाहर की तरफ निकलेगा ये सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और ये जब सेल श्रिंक करता है तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसके अंदर पानी भर जाएगा सेल के अंदर। तो देखिए सेल के अंदर जैसे पानी भरा तो क्या हो गया, ये पूरा स्वेल कर गया। और इतना ज्यादा अगर सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रश कर जाएगा। तो यहां पे देखिए टर्जिट हो गया, फूल गया है सेल। अब आइसोटोनिक में क्या होगा, जितना वाटर बाहर निकल रहा उतना ही अंदर भी आ रहा, तो सेम वैसा ही के वैसा ही रहेगा कॉन्स्टेंट, तो सेम रहेगा जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन वो जो सेल रहता है, वाटर आने और जाने के कारण वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सेब संतरा कुछ भी को अगर पानी में आप छोड़ दीजिए कुछ समय, 4 घंटा 5 घंटा, और उसके बाद फिर उसको देखिए तो वो थोड़ा सा आपको लचीला टाइप से देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है सेम अमाउंट में, तो उसके कारण वो जो होता है ढीला हो जाता है। तो यहाँ फ्लैसिड का मतलब ढीला होता है, तो वो लचीला हो जाएगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर में वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, तो यहाँ सेल से वाटर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर जो है बाहर निकलेगा, जिसके कारण जो सेल होगा वो स्मॉल हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। देखिए यहाँ पे श्रिंक कर गया वाटर यहाँ से बाहर, लेकिन ये जो सेल है ये कंटेंट देखिए ये छोटा होते जा रहा है, लेकिन जो सेल वाल है वो सेम है वैसा ही। तो सेल वाल के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग प्लाज्मोलाइसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, हाइपरटोनिक कंडीशन में ही प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलेगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होगा तो उसमें हम लोग को प्लाज्मोलाइसिस देखने को मिलेगा। और प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं,
प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपका बना होता है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से। तो यहां पे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है ऑफ ए प्लांट सेल। एंड इज काउज्ड बाय, तो ऐसा क्यों हुआ है? एंड इट इज काउज्ड बाय, क्योंकि पानी का लॉस हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड काउज्ड बाय लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, तो इतना लिख देंगे तो हो जाएगा। ये प्लाज्मोलाइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग पढ़े सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक, सबसे पहले पढ़े हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपो का क्या मतलब होता है? हाइपो मतलब होता है कम, लो, और टोनिक का मतलब साल्ट होता है। तो जिसमें साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा जिस सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है तो क्या होगा? वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पानी क्या होगा? सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाने लगेगा और जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस का। तो देखिए जैसे इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको रखा गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जैसे ही रखते हैं तो देखिए धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ पे इसको येलो से कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इससे भी नहीं दिख रहा है। देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे था पूरा सेल वाल से अटैच था, अब ये जो सेल वाल है उसको छोड़ रहा है। इसके बाद देखिए और जब उसको सॉल्यूशन में रखें तो देखिए और कितना छोटा हो गया ये, लेकिन सेल वाल जो है सेम टू सेम वैसा ही है, और यहाँ पे देखिए कितना छोटा हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और इसका एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी में यही चीज करना था, एक सेल को लेना था और उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखना है। तो जब 5 से 6 घंटा बाद जब उसको देखेंगे तो इस तरह से छोटा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सेल वाल। तो सेल वाल हम लोग को पढ़ना है। तो सेल वाल जो होता है सेल वाल किसमें हम लोग को देखने को मिलता है? तो जनरली प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंगी में भी देखने को मिलता है। तो इन सब में सेल वाल हमको देखने को मिलता है। ये जो सेल वाल होता है ये हार्ड होता है, क्योंकि इसको पूरा प्रोटेक्ट करना है। प्लांट को देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एक ही जगह पे है, कहीं पे मूव नहीं करता है। तो जो सेल वाल है उसको हार्ड बनना पड़ता है, क्योंकि हर चीज उसको सहना है। जैसे कि घर के आसपास हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लगवाते हैं। क्यों बाउंड्री करते हैं? ताकि चोर से बचा जा सके, जानवर से बचा जा सके। तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बाउंड्री को लगाते हैं। तो सेम टू सेम वैसा ही जो सेल है प्लांट सेल, वो भी सपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे वाल लगा हुआ है, जिसको बोलते हैं सेल वाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वाल है, ये जो फर्स्ट वाला जो वाल है इसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल, और ये जो सेकेंड वाला जो है ये देखिए ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए फर्स्ट वाला जो होता है सेल वाल ये हार्ड होता है, हार्ड रिजिड होता है, क्योंकि इसको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है। और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से देखिए बाहर में है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये है,
तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेल वाल्व। और जो प्लांट का सेल वाल्व होता है अब यहां पे देखते हैं, जो प्लांट का सेल वाल्व होता है तो वो मेड अप ऑफ, देखिए प्लांट का सेल वाल्व मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो वो सेलुलोज से बना होता है सेलुलोज, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सेल वाल्व किससे बना होता है? सेलुलोज से। अब सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको देखने को मिला था, ये जो सेलुलोज है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्योंकि बिल्डिंग जो है, मान लीजिए वॉल बनाना है तो हार्ड से हार्ड बनाना है और मजबूत भी बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या सब्सटेंस लिख सकते हैं। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कहने का मतलब है कि उसका शेप मेंटेन करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और हम लोग अभी प्लाज्मोलाइसिस में देखे थे कि प्लाज्मोलाइसिस हुआ लेकिन सेल वॉल जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे हमेशा रहा, तो ये हार्ट के कारण ऐसा होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेल वॉल मेंटेन, सेल वॉल मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ सेल वॉल, ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होता है मेंटेन शेप एंड साइज ऑफ, तो यहां पे सेल वॉल नहीं होगा, यहां पे सेल, मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो सेल का जो शेप और साइज है वो मेंटेन कौन करता है? सेल वॉल। अब यदि किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वहां पे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल, उसको शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वो उसको वहां पे सस्टेन करता है, उसको शेप चेंज होने से बचाता है, पूरा इफर्ट लगा देता है उसको ब्रस्टिंग करने से। जैसे अगर मान लीजिए सेल है, अब सेल के अंदर ज्यादा वाटर भर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि वो फूट सकता है, ब्रस्ट कर सकता है, तो उससे कौन बचाएगा? सेल वाल। तो सेल वाल कैसे बचाता है? तो यहां पे लिख सकते हैं कि जब सेल स्वेल इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ही सेल स्वेल करेगा, एंड बिल्ड प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। तो जब स्वेल होगा तो प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल होगा, सेल वॉल पे प्रेशर लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे जब पानी आएगा, देखिए पानी अंदर जाने के लिए पूरा इस पे जोर लगाएगा, और ये जो अंदर वाला जो है ये भी जोर लगाएगा पूरा कि अब आने नहीं दे सकते हैं क्योंकि मेरा जो सेल है वो टूट जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए वो एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाता है, सेल वाल एग्जर्ट एक्सटर्नल एग्जॉट एक्सटर्नल प्रेशर टू प्रिवेंट
वाटर फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिससे कि जो सेल का शेप एंड साइज मेंटेन रहे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो कल आपका पूरा न्यूक्लियस कंप्लीट हो जाएगा और कुछ साइटोप्लाज्म का सेल ऑर्गेनेल के बारे में भी कल पढ़ेंगे। तो लगभग 2 से 3 और लेक्चर में ये पूरा चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस सप्ताह, इस वीक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।